चलो तो डेरिवेशन करना है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में अपने कुछ एंगल्स का काम रहेगा, वो एंगल्स होंगे एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड एंगल ई, दैट इज एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, ये डेरिवेशन हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे इन विच रिलेशन वुड बी बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तीन चीज़ों के बीच का अपने को रिफ्रैक्शन रिलेशन निकालना है, प्लस हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे फॉर डिविएशन। डिविएशन मतलब ये वाला पार्ट, जो इंसिडेंट रे है और जो एमरजेंट रे, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है दैट इज़ नोन एज एंगल ऑफ डिविएशन। और वो एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम होगा तब क्या कंडीशंस रहेगी, उसके बेस पे अपना डेरिवेशन है। तो सबसे पहले तो रिलेशन निकालेंगे एंगल ऑफ डिविएशन का, इंसिडेंट का, एमरजेंट का और आर का। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपन लेंगे, मैं इसको एक बार वापस डायग्राम बनाता हूँ ताकि समझ में आए कैसे बनाना है। पहले तो एक प्रिज्म बनाओ, एग्जाम में कैसे बनाना है, एक प्रिज्म बनाओ, नेम इट एज ए बी सी। एक इंसिडेंट एंगल बनाओ, ये इंसिडेंट एंगल जैसे बनेगी तो इंसिडेंट जैसे बनेगी उसका एक इंसिडेंट एंगल हो जाएगा विद द नॉर्मल। ये नॉर्मल से बिकॉज यहाँ पे बाहर एयर है N1 और अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का होगा N2। प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ग्लास। तो यहाँ से बिकॉज N1 से N2 जा रहा है, रेयरर से रेयरर डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो इट विल गो टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल एक ऐसे लाइन बनाओ सीधी। अब ये सेकेंड सरफेस पे आएगी, ये एंगल ये हो जाएगा अपना रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट इज़ आर। अब यहाँ पे दो सरफेस बनेंगे इसलिए अपन इसको R1 और R2 के फॉर्म में लेंगे। यहाँ पे फिर से एक नॉर्मल बनेगा ऐसे, और यहाँ पे अब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे बाहर निकलेगा। दिस इज़ योर एमरजेंट रे। ये जो अपनी थी दैट वॉज अवर इंसिडेंट रे, बोल सकती हूँ, मार के आवाज़ निकाल सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये R1 था, दिस वुड बी R2। अब करना क्या है, खाली अपने को जो इंसिडेंट रे है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो पीछे, जो एमरजेंट रे उसको एक्सटेंड करो थोड़ा पीछे। ये इंसिडेंट और एमरजेंट रे के बीच का जो एंगल होगा दिस इज़ नोन एज एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, डिविएशन। अब इसका नेमिंग में क्या बचता है, इसको अपने को क्यू देना है, इसको अपने को एन देना है, इसको अपने को आर देना है। अब ये सबका नेमिंग हो गया और ये अपना एम। अब डेरिवेशन को स्टार्ट करना है। डेरिवेशन में अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले टेक पैरेलोग्राम, नॉट पैरेलोग्राम, क्वाड्रिलेटरल होगा, क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर, हो गया ना, ये ए क्यू एन और आर, चार एंगल्स, चार साइड्स हो गए, इट मेक्स अ क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल में देखो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर दैट वुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे, अगर आप लोग अगर हम लोग इसको एनलार्ज करें तो ए क्यू एन आर ये क्वाड्रिलेटरल है, उसमें ये एंगल ए क्यू एन और एंगल ए आर एन इसकी वैल्यू कितनी होगी, सोचो, व्हाट इज दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल का एंगल है, तो नॉर्मल का एंगल होता कितना है, 90 डिग्री। तो बेसिकली अपन देखेंगे तो ये होगा एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एन प्लस एंगल आर दैट शुड बी इक्वल्स टू 360 डिग्री, बट एंगल क्यू और एंगल आर 90 हो जाएगा तो वो 180 हो जाएगा, और उसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 360 माइनस 180 अगेन 180 रह जाएगा, इसलिए डायरेक्टली ये अपना एक इक्वेशन बन जाएगा। सेकेंड अपने को ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल कौन सा वाला, ट्राइंगल अपन लेंगे ट्राइंगल क्यू एन आर। ये क्यू एन आर में एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू प्लस एंगल क्यू एन आर ये कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से कितना होता है, 180 डिग्री। इसको याद रखो। नाउ सी, एंगल ए इसको नंबर दे दो 2, इसको नंबर दे दो 1। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे, राइट हैंड साइड दोनों का 180 है, क्यू एन आर दोनों में आ गया, फ्रॉम दिस यू कैन राइट
दैट एंगल ए इज़ नथिंग बट एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू. ये अपना फर्स्ट डेरिवेशन का मेन पॉइंट है कि दिस इज नंबर थ्री. आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू एंगल ए. नाउ डायग्राम देखो, ये एंगल ऑफ डिविएशन, ये एंगल ऑफ डिविएशन अगर तुम ट्राइंगल लोगे, टेक ट्राइंगल क्यू एम आर, तो होगा क्या, एंगल ऑफ डिविएशन क्या हो जाएगा, इट वुड बी एन एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल ऑफ व्हाट, अगर ये एंगल को मैं वन दूँ, ये एंगल को मैं टू दूँ, तो वी कैन राइट दैट डेल्टा. एक्सटीरियर डिविएशन को अपन डेल्टा बोलते हैं, तो इज इक्वल्स टू एंगल वन प्लस एंगल टू. नाउ एंगल वन और एंगल टू कैसे निकालोगे, अगर इसको चलो मैं ऊपर बता देता हूँ, ये इसको अगर अपन ने वन लिया है, इसको अपन ने टू लिया है. नाउ ये देखो, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर हो जाएगा, यहाँ पे अपना आर वन होगा, करेक्ट. आई इज इक्वल्स टू सॉरी आई इज इक्वल्स टू आर वन प्लस एंगल वन, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा ना, ये और ये पूरा. अब ये तो आई है और ये कितना है, आर वन प्लस वन. तो अगर तुम्हारे को एंगल वन की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होगा, एंगल आई माइनस एंगल आर वन, ठीक है. वैसे अगर इस साइड का देखेंगे, इस वाले का, तो एंगल ई शुड बी इक्वल्स टू दिस होल, तो एंगल ई शुड बी इक्वल्स टू एंगल टू प्लस एंगल आर टू. फाइंड एंगल टू, एंगल टू इज नथिंग बट एंगल ई माइनस एंगल आर टू. बस इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं. क्या आया था अपना, किधर गया भाई, हाँ, सो यू गेट डेल्टा इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू क्या आई थी, वन की वैल्यू क्या आई थी, आई माइनस आर वन प्लस टू की वैल्यू क्या आई थी, ई माइनस आर टू. इसको ब्रैकेट को खाली खोल दो, तो आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू. अब आर वन प्लस आर टू अपना कितना आया था, यहाँ पे प्रूफ किया ना अपन ने, आर वन प्लस आर टू इज एंगल ए. सो यूजिंग थ्री, जस्ट यूज माइनस एंगल ए डेल्टा. सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ डेरिवेशन, ठीक है. सो दो जो पॉइंट अपने को, दो मेन पॉइंट्स मिले, वो क्या थे, एक था दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू, एक ये, और दूसरा डिविएशन इज नथिंग बट आई प्लस ई माइनस एंगल ए, ठीक है. ये हो गया अपना एंगल ऑफ प्रिज्म. अब दूसरे वीडियो में एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ डिविएशन का अपन ने जो इक्वेशन निकाला, वी विल फाइंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर डिविएशन टू बी मिनिमम, उसका अपन दूसरे वीडियो में निकालते हैं. डिविएशन मिनिमम कंडीशंस निकालनी है, बेसिकली तुम्हारे को न्यूमेरिकल्स में मिनिमम डिविएशन के हिसाब से ही करना है, ठीक है.